जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 माह पूर्व छज्जा तोड़ते समय लेंटर गिर जाने के कारण हुई मजदूर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें मृतक मजदूर जान अली के भाई ने थाने में शिकायत करते हुए अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया और गांव प्रधान सहित कई लोगों को आरोपित करते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए थाना भोपा को मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में कब्रिस्तान पहुंचकर मृतक अली का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान मौके पर एसडीएम जानसठ, सीओ भोपा सहित भारी फोर्स तैनात रहा। ये 14 मार्च में एक दुर्घटना हो गई थी छत से गिर के। लोगों ने री इंक्वायरी के लिए अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, जिसमें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने पुनः परीक्षण के लिए इसको डेड बॉडी को ले जाएंगे, पीएम होगा, ये कार्रवाई है। मुकदमा लिखा गया इसमें? हाँ, शिकायतें हैं उसमें, इसलिए री इंक्वायरी हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए जांच के बाद। जी नाम बताइए। नाम जायद है जी सर। क्या मामला है जी? मामला ये था जी सर, मैं तो घर पे नहीं था, बाहर का हुआ था, और मेरे भाई भी दो बाहर गए हुए थे। जो मेरा भाई था मौजूदा प्रधान के यहाँ काम करता था, उसे 5 लोग सुबह को 9 बजे के लगभग घर से बुला के ले गए, और एक मेरा भाई जाबिद उसके साथ मौजूदा था सर। सर मेरे भाई ने उनसे पैसे मांगे खर्चे के लिए, उन्होंने कहा सर पहले काम निपटाओ उसके बाद पैसे देंगे। उसने जागम ने प्रधान का गिरेवान पकड़ लिया सर, उसमें मारपीट हो चुकी वहीं में, तो जाबिद उनसे जान बचा के वहाँ से भाग चुका, और आके घर जो हमारी भाभी है नसरीन मौके पे उसको बताया। नसरीन जो भाभी हमारी वहाँ पे पहुँची, उनके ही पियर में ब्याही भाई है, उनका चाचा वहाँ पे रहता है। नसरीन जो पहुँची वहाँ पे जागम जख्मी हुआ पड़ा था, उसके आगे गाड़ी में डाल के उसे शक है आपको? शक तो जी ये 5 ही आदमी थे, एक ये दुल्ला, एक शबाब, एक अरमान जी और एक इकबाल। ये आपको लगता है इन्होंने हत्या की जी? पूरा लगता है, पूरा घर से बुला के ले गए जी। थाने में तहरीर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई जी। कोर्ट में अकेले हर जगह गए जी, हाई कोर्ट तक गए जी, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट यहाँ तक योगी तक भी पहुँचा जी, योगी से भी यही प्रार्थना करी, सबसे यही प्रार्थना करी, हमें इंसाफ चाहिए जी। कितने दिनों बाद आज कब्र उखड़ रही है? आज ये 6 महीने कुछ दिन हो गए जी, और हमें भागते भागते हो गए, यहाँ तक के गांव वालों पे भी ये जोर दिया जा रहा है सर कि कोई इनकी साथ लगेगा, ये इनकी साथ चलेगा, उन पे भी दावा किया जाएगा, बलात्कार लगेगा, ये लगेगा।